मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके मी साक्षी, आज मेरा न्यू ब्लॉग आ गया है जो कि ये ब्लॉग मैं बनाने वाली हूँ मेरे कॉलेज का, न्यू यूनिवर्सिटी कॉलेज में है मेरा कॉलेज। सो गाइस, मैंने सोचा था काफ़ी दिनों से, जब कॉलेज खुले थे तभी मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, बट मैं सीरियसली बना नहीं पाई क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला था बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग बनाऊँ और अपनी ब्लॉगिंग मैं कंटिन्यू करूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग बीच में छोड़ देना फिर ये भी अच्छी बात नहीं है, अगर कोई काम करते तो पूरा भी करना चाहिए। तो गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं 6, क्योंकि अभी मैं जस्ट सो के उठी और मैंने सोचा ब्लॉग क्यों ना बनाऊँ, तो अभी मैं ब्लॉग बना रही हूँ इसलिए मेरे फेस पर ना ध्यान देते हुए, पर क्योंकि मैंने मूवी ली थी तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप सबको मिलती हूँ तैयार होके। ओके, तब तक के लिए आप लोग वेट करिए। गाइस, अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं जाऊँगी बस स्टैंड, तो चलिए मैं आप सबको बस स्टैंड पे मिलती हूँ, द्वारका बस स्टैंड पे, फिर हम वहाँ से जाएंगे कॉलेज। सो लेट्स गो, चलते हैं हम, ठीक है, बस स्टैंड पे मिलते हैं। और अभी मैं आ चुकी हूँ द्वारका, तो द्वारका से मैं अभी लूँगी 817 या फिर 764 जो मैं टिकट जाएगी मैं उसमें जाऊँगी, और यहाँ से ये रूट है, आप जैसे कोई भी द्वारका से 764 या 817 पकड़ो और फिर वहाँ से कॉलेज, तो आप चलिए हम चलते हैं, फिर मैं आपको अपना कॉलेज दिखाऊँगी, फिर आप रेटिंग भी देना और बताना भी कैसा कॉलेज लगा आपको। तो चलिए हम चलते हैं। गाइस, अब मैं बस से उतर चुकी हूँ, तो मैं पहुँच गई अपने कॉलेज, तो यहाँ से मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ फिर से, और ये मेरी फ्रेंड है, चलिए तो हम चलते हैं हमारे कॉलेज के दर्शन करने। ये है मेरा कॉलेज, आई नो आपको देखने में कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रहा होगा, इस कॉलेज का नाम है भगिनी निवेदिता कॉलेज। ये देखिए, ये है, हाँ ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पे सारी टीचर्स की और जो भी गाड़ी लाते हैं उनकी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। सो हम बढ़ते हैं आगे, चलिए चलिए हमारा साथ देंगी हमारे कॉलेज दिखाने में, तो चलिए हम इसके साथ चलते हैं। तो ये गाइस हमारा कॉलेज है, ठीक है, और तो हम बढ़ते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। हाय गाइस, ये देखिए, ये हमारा हो गया एक तरह से ग्राउंड मान लो, हाँ बस, यहाँ पे एनसीसी और मतलब एनसीसी होती है, कबड्डीज होती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती है सारी चीज़ें होती हैं, और वो जो आपको वहाँ पे बिल्डिंग दिख रही होगी वो फिज़िकल रूम है, और इधर ये हमारा कैंटीन है, तो ऐसे है। तो यहाँ पे ये भी नहीं है कि कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है, हर एक फैसिलिटीज़ है, बस ये है कि आपको थोड़ा बहुत एरिया भी अच्छा है, बट आपको थोड़ा वैसा लगेगा कि इससे और अच्छा होना चाहिए था, बट कॉलेज बहुत अच्छे हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं एंड एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं, आप अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहो तो ले सकते हो। और ये भी एक तरह से समझ लीजिए, ये भी ग्राउंड है बहुत बड़ा, कि यहाँ पे और ये अगर आप स्पोर्ट्स में हो, अगर नेशनल लेवल तक आपको जाना है तो उसमें भी आप ना आगे जा सकते हो, और नेशनल लेवल में भी बहुत सारे हैं, तो चलिए मैं आपको अपना आगे का रास्ता दिखाती हूँ। सो ज़्यादा मेरी बकवास ना सुनते हुए हम आगे बढ़ते हैं, चलो अब चलते हैं हम लोग। ये गाइस देखिए, यहाँ से घूमते हैं, ठीक है, ये हमारा जो है ये सिर्फ ऑफिस का एरिया है ये वाला, और ये वाला यहाँ पे जितने भी क्लासरूम है, और इधर लाइब्रेरी है, हम आपको आगे जाके दिखाते हैं। जी बिल्कुल, चलिए चलिए गाइस हम चलते हैं, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये हमारी इधर की साइड जितने भी है, ये हमारा ऑफिस है, ये देखिए इसको, यहाँ पे क्लासरूम है, और ये आगे में एक काउंटर है, फिर उसके बाद टीचर्स के स्टाफ रूम वगैरह सारा है, फिर बस इतने सारी चीज़ें हैं, फिर इसके बाद आगे हम चलते हैं। ये भी मान लो ये भी हमारा एक पार्क हो गया एक तरीके से, और ये भी हमारा पार्क बहुत है, यहाँ पे आप इतनी मस्ती करनी है, और ऊपर से ये गर्ल्स कॉलेज है, ओनली गर्ल्स ही यहाँ पे, मतलब गर्ल्स का ही एडमिशन होता है, कोविड वाला बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है इसमें, और अगर आपको और जानकारी लेनी है तो हम आपको आगे बताएंगे, कॉलेज घुमाएंगे। चलिए मेरी बकवास ना सुनते हुए हम आगे बढ़ते हैं, होंगे लोग कहेंगे कितनी गंदी शक्ल है। ये हो गई क्लासरूम्स हैं यहाँ पर, और
कर रही थी। और ये हमारा है लाइब्रेरी का जो भी है। चलो मैं दिखाती हूँ, हमारी पुरानी बिल्डिंग है। हाँ ये हमारी पुरानी बिल्डिंग है जो रेड रेड कलर की दिख रही होगी। और ये जो है मैं आपको यहीं से दिखाती हूँ, ये हमारी लाइब्रेरी है जो कि अभी अंदर जाने नॉट अलाउड। अच्छा तो ये हमारी लाइब्रेरी है और मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये जो भी इग्नू से करते हैं ये उनका ऑफिस है, इग्नू ऑफिस बस। और मैं आपको आगे ले चलती हूँ, ये स्टोर रूम्स वगैरह हैं जो भी है। ये स्टूडेंट्स यूनियन रूम है, यहाँ से क्लासेस स्टार्ट होती हैं। और लगभग गाइस मैं सच बताऊँ तो, हम 1.5 साल बाद कॉलेज आए हैं। इसलिए हम फर्स्ट ईयर में गए तो हमारा कॉलेज खुला ही नहीं था, तो हम इतना आ नहीं पाए। और फिर उसकी वजह से तो जब हम फर्स्ट टाइम आए, मैंने सोचा था व्लॉग बनाऊँ बट मैं नहीं बना पाई एक्चुअली सच में, क्योंकि मैं सीरियसली बहुत बिजी थी। तो इसलिए तो चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं। ये भी जितने भी हैं ये भी हमारे क्लास रूम्स हैं। तो मैं क्या ही बोलूँ, आप भी बोल रहे हो कितना बोलती है, चुप नहीं होती। ये मेरी फ्रेंड, ये बिल्कुल हमारा सहयोग करिए पूरी तरह। ओके गाइस, मैं आपको म्यूजिक रूम दिखाती हूँ। म्यूजिक रूम है, ये म्यूजिक रूम है। अब डांस सोसाइटी या हाँ हर एक कल्चर एक्टिविटीज होती हैं, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और हम आराम से कोई भी चीज़ में जाना चाहते तो जा सकते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। हाँ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे होते हैं पे। और अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैंने तो जहाँ तक आपको लगता है सारी जानकारी दे दी है। ये स्टाफ रूम है और ये जो है ये सारे जो भी क्लासरूम टीचर्स के ही हैं जो भी है मतलब। और ये भी एक तरह से मान लो हाँ एक्टिविटी का ही रूम वगैरह है। यहाँ पे देखिए अच्छे से फैशन डिज़ाइनिंग का जो भी है। फिर उसके बाद ये वाला जो एरिया है ये प्रिंसिपल ऑफिस है ठीक। और ये वाला इसमें हाँ इसमें सर वगैरह जैसे हमारे कोई ड्यू से लेटर वगैरह जो देना रहता है हमें कंप्लेन का जो भी वो देते हैं। हाँ और ये वाला है स्टाफ रूम का, ये भी अकाउंट्स का है और ये भी अकाउंट्स का है। तो चलिए अब हम चलते आगे। आज हम आए कॉलेज और हमने सोचा क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए। और मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स नहीं आई हैं, बस हम 2 या 3 हैं जो आए हैं। तो वो अपनी ट्रेनिंग वगैरह में बिजी है तो वो वहाँ पर है और हम दोनों यहाँ पर ब्लॉग भी कर रहे हैं। और ये गाइस ये हमारा जो है बास्केटबॉल या फुटबॉल या वॉलीबॉल जो भी ग्राउंड है ये वो ग्राउंड है। यहाँ पर सब बास्केटबॉल वगैरह खेलते हैं। और मैं आपको और सारी क्लासेस सुन दिखाती हूँ। ये हमारा फिजिक्स का लैब है और ये कंप्यूटर लैब है। ये सारे यहाँ पे इतने सारे लैब हैं। और ये जो है और हमारा ये सारा है। तो ये आप पूरी बिल्डिंग देखना चाहते हो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये हमारी बिल्डिंग है, आप देख रहे होंगे कितना बड़ा है। बेशक आप सोच रहे होंगे कि बिल्डिंग ये है वो है, बट कॉलेज बहुत अच्छा है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये नहीं कि सोचते कि एक दो दिन बाद आप जब भी बोलोगे तभी वो कदम उठाते हैं। हाँ और अगर कोई दिक्कत भी हो तो आप आसानी से बोल सकते हो। और ये हमारा जो है MP हॉल है, इसमें हाँ इसमें हम MP हॉल मतलब बोल दो कि ऑल ऑडिटोरियम जो भी हो वो कर सकते हैं मतलब ठीक। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हमारा MP हॉल। इसमें नाटक वगैरह जो भी हो एंड जो भी अगर कोई सोसाइटी का
का प्रोग्राम वगैरह होता है तो यहीं पे सारा कुछ किया जाता है। एंड लिटरली बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर भी है। तो चलिए गाइस फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यही मेरा कॉलेज है और आज के लिए हमारी वीडियो यहीं ख़त्म हो गई है गाइस। यहीं तक मेरा वीडियो था, यही मेरा पूरा कॉलेज है और यहीं पर मेरी वीडियो आज की ख़त्म होती है। तो गाइस मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपके लिए और नई नई यूट्यूब वीडियोस लाऊंगी, अच्छे अच्छे लाऊंगी, बस आप मेरे को सपोर्ट करो जिससे मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊँ। तो अभी के लिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।